सभी को गणपति बप्पा सबके लाइफ में ब्लेस करे, सबको सबके ऑब्स्टिकल्स निकाले और बॉलीवुड सुधर जाए। बॉलीवुड सुधर जाए। हाँ, जो एक्टर लोग जो लोग कुछ भी बोलते हैं उनको जबान पे थोड़ा कंट्रोल दीजिए। बप्पा हाथ जोड़ता हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है 9 सितंबर को। बहुत बड़ी पिक्चर है, 8 साल से बन रही है। हमारे साथ में आ गए हमारे मुंबई के 3 इडियट्स गोलू। धन्यवाद, समृद्ध स्वागत है आप तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। थैंक यू सर। धन्यवाद। शुरुआत करूंगा मैं फर्स्ट इडियट गोलू से। ब्रह्मास्त्र रिलीज डेट क्या कहना चाहोगे? रिलीज डेट तो बहुत वर्स्ट डेट चुना है उन्होंने। और रही बात सेकेंडली के, उस दिन बहुत बड़ा ओकेशन है। हमारे घरों से, हमारे नगरी से हमारे पप्पा जी चले जाएंगे हमें छोड़कर फिर से एक बार, और हमेशा की तरह हमारे दिल में रहेंगे वो पूरे साल भर। विसर्जन का दिन है। तो इस हिसाब से अगर आप टेक्निकली देखोगे तो ऑलमोस्ट आधा मुंबई का पब्लिक ऐसा होता है कि विसर्जन में जाता है। ठीक है, अगर फर्स्ट डे ओपनिंग भी अगर अच्छा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पर जो सेकेंड और थर्ड डे होता है ना उसमें अच्छा एक ओपनिंग मिलना चाहिए। अगस्त में काफ़ी बड़ी बड़ी पिक्चरें आई। यस, उन पे बहुत उम्मीदें थी। यस, बहुत सारी उम्मीदें थी। बहुत लोगों ने मुंह पे भी खाई अपनी, इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें लेके क्या करे। मतलब ये होता है ना, एक कॉमन पीपल का पावर, मतलब जो पब्लिक का पावर होता है ना, ऑडियंस का पावर इसे कहते हैं। क्योंकि वो लोग हैं, मतलब ऑडियंस जो है, आप उनको सरों के ऊपर बिठाओ तो आप स्टार तक पहुंच पाओगे, लेकिन आप उन्हीं को धुतकारोगे ना तो आप कहीं पे भी गिने भी नहीं जाओगे। यही बात है, आप ऑडियंस से इंटरेक्शन रखिए, आप ऑडियंस को प्यार दीजिए, ऑडियंस 3 गुना ज़्यादा प्यार देगा आपको। यही बात है। मैं तो चाहूँगा कि जितने भी थिएटर्स अभी बंद हुए हैं, मतलब थोड़े फॉर टाइमिंग के लिए, मैं चाहूँगा कि वो फिर से चालू हो जाए और हमेशा की तरह जो ग्रीनरी था हमारा इंडियन सिनेमा वैसा हो। खास करके रिलीज डेट गलत लिए कह रहे हमारे। यस, फर्स्ट ईयर ऑफ मुंबई गुलू आऊँगा सेकेंड के पास। विघ्नेश, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहली बात आज हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल है जी, गणेश जी, गणपति बप्पा मोरिया। तो सभी ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं उनको गणेश जी, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बप्पा आप सभी को कृपा करें, सभी को ब्लेस करें, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। अभी बात आती है ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़ी पिक्चर है, डायरेक्टर भाई आयन मुखर्जी। यस, इसमें बच्चन साहब, रणबीर कपूर, आलिया जी, आलिया भट्ट, नागार्जुन साहब। अभी यहाँ रिलीज़ डेट तो जैसे इन्होंने कहा था कि 9 सितंबर, उन्होंने थोड़ा गलत दे दिया, बिकॉज आफ्टर ऑल कोविड के बाद 2 साल के बाद लोग फेस्टिवल मना रहे, तो आधा मुंबई, 50% ऑफ मुंबई, 50 क्या 90% भी बोल सकते हैं। यस, सब लोग मतलब बप्पा जी को मतलब कि विदा देने में लगे रहेंगे। एंड उसी दिन मतलब पिक्चर रिलीज़ करना थोड़ा सा रहेगा। आजकल जो भी ट्रेंड चल रहा है बॉयकॉट का, अभी 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले करण जौहर जी ने भी कुछ कल कह दिया था, जैसे वैसे उनकी बातों को कौन बुरा मानता है। एक बात वो एक चीज़ है, हर पिक्चर चले यही हमारी भी यही इच्छा है, क्योंकि आई थिंक सो भूल भुलैया के बाद कौन सी भी बॉलीवुड फिल्में नहीं चली है, चाहे वो रक्षाबंधन हो या लाल सिंह चड्ढा हो या लाइगर। यस, लाइगर ऑफकोर्स वो भी नहीं चल पाई। तो अभी इसी से उम्मीद है, ब्रह्मास्त्र से बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशंस है, मतलब कि चल सकती है, लेकिन जो भी है ऑडियंस के ऊपर है। बिकॉज पिक्चर बनाते हैं ऑडियंस के लिए, तो ऑडियंस देखनी चाहिए, तब जाके पिक्चर को प्रॉफिट हो सकती है। ये हमारे सेकंड भी कह रहे कि डेट थोड़ी सी गलत चुनी है ब्रह्मास्त्र। आता हूं मैं हमारे थर्ड इडियट समृद्ध के पास में। हाजिर। हाँ सर, रिलीज डेट ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर, फर्स्ट और सेकंड ने कहा है कि गड़बड़ डेट है। हाँ सर, आपको जी क्या लग रहा है? ब्रह्मास्त्र प्रोड्यूस बाय, आपको बड़ी उम्मीदें हैं ब्रह्मास्त्र? बहुत बहुत मतलब बहुत उम्मीद है, लेकिन ब्रह्मास्त्र प्रोड्यूस बाय हाफ बिरयानी, सॉरी करण जौहर। मार वापस गाली खाएंगे हम लोग, जान दो। करण जौहर, आयन मुखर्जी, आलिया भट्ट, रणबीर, बच्चन, उसका नागार्जुन, मल्टी स्टार कास्ट। मैं एक बोलूँगा कि ये फिल्म को बैकड्रॉप मिलेगा, फर्स्ट डे का ओपनिंग नहीं मिलेगा। इन्होंने मुंबई का नाम लिया, मैं तो पूरा हिंदुस्तान को बोलूँगा, हिंदुस्तान ही पूरा हिंदुस्तान है ना,
गणेश जी के विसर्जन पे पूरा हिंदुस्तान बाहर रहेगा लेकिन कोई थिएटर में नहीं जाएगा। लेकिन मैं पर्सनली आप सब ऑडियंस को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, देखो हाथ मैंने प्रॉपर जोड़े, प्लीज़ आप थिएटर जाओ, क्योंकि थिएटर में देखने का जो मज़ा है ना वो मोबाइल के पायरेसी में नहीं है। वो मोबाइल पे थिएटर प्रिंट में आप वो रिक्शा स्टैंड में देखोगे, बस स्टैंड में देखोगे, रेलवे स्टेशन में या ट्रेन में देखोगे, उसमें मज़ा नहीं है। अब ऐसा नहीं कि हम लोग ब्रह्मास्त्र के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे फिल्म्स के बारे में, जो आने वाली फिल्म्स हैं वो फिल्म्स के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी, यस सर, यस सर, क्योंकि आप थिएटर जाओ, क्योंकि जो एग्जीक्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर है अपने, जो हाफ बिरयानी सॉरी प्रोड्यूसर्स, जो वो लोग रो रहे हैं, शक्ल से तो दिखता नहीं रो रहे लेकिन रो रहे, लेकिन है ना एक बार आप है ना एक विश्वास करके आप थिएटर आओ, क्योंकि थिएटर का देखने का नज़रिया ना बहुत अलग रहता है। और पिक्चर देखना है तो सबके साथ देखने का बहुत अलग लेवल का फीलिंग आता है बॉस। और ब्रह्मास्त्र एक ऐसी फिल्म है ना जो विजुअल इफेक्ट्स है, स्टोरी लाइनअप है, बड़े बड़े स्टार है, बड़ा डायरेक्टर है और छोटा बड़ा प्रोड्यूसर भी है, तो आप सोच लो तो पिक्चर बड़ी ही रहेगी। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं आप सबको बोलता हूँ कि प्लीज़ थिएटर आओ, क्योंकि ये जो लाल सिंह चड्ढा, उसका रक्षा बंधन और लाइगर, वो तीनों फिल्म फ्लॉप, इतने बड़े एक्सपेक्टेशन रखे थे ना बॉस कि क्या मतलब, एक चमत्कार करेगा लेकिन ये तो बलात्कार हो गया हम लोग के साथ। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आप पिक्चर आइए, भले पिक्चर नहीं पसंद आए ना तो आप सीधा बोलिए, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं भाई, फ्रीडम है अपने को भाई, जो है ना मुँह पे बोलो, पीछे से मत बोलो, मैं वापस बोल रहा हूँ, पीछे से मत बोलो, सामने बोलो। तो आप प्लीज़ थिएटर आओ और हमको सपोर्ट करो और बॉलीवुड प्रेमी को सपोर्ट करो बस। कुछ कहना चाहते हैं आखिर में, हमारे फर्स्ट लीडर मुंबई गोलू, उनका थोड़ा सा पैर में जख्म भी हुआ है। हाँ सर, एक बार देख लो सर, इतना मेहनत करके आते हैं सर। नहीं नहीं, वो तो होते रहेगा, जितने भी हमारी ऑडियंस है, या कोई नया देखता है या कोई जूना देखता है, सभी को हमारे बॉलीवुड प्रेमी की टीम की तरफ से सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी, सभी को गणपति बप्पा सबके लाइफ में ब्लेस करे, सबको सबके ऑब्स्टिकल्स निकाले, सभी को अच्छे से ब्लेस करे और बॉलीवुड सुधर जाए। बॉलीवुड सुधर जाए। हाँ। जो एक्टर लोग, जो लोग कुछ भी बोलते हैं उनको जबान पे थोड़ा कंट्रोल दीजिए, बप्पा हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ बॉलीवुड को बचा लो यार, अब आपके हाथ में ही दे दिया। ओके ओके, थैंक यू, बोलना चाहूँगा आप तीनों को भी हम हैप्पी गणेश चतुर्थी विश करना चाहेंगे। एंड जाते जाते सारे ऑडियंस को भी बोलना चाहेंगे, एक बहुत ही अलग कंसेप्ट हमारे मुंबई के, यस यस आने वाला है, आएंगे।